इस बलिदान दिवस के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित मंच पर विराजमान हमारे अपने जनजाति विभाग के वरिष्ठ मंत्री माननीय विजय साह जी, वरिष्ठ मंत्री ग्रामीण पंचायत विकास श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, वरिष्ठ मंत्री मान श्रीमान राकेश सिंह जी, संस्कृति मंत्री माननीय धर्मेंद्र जी लोधी, महापौर जगत बहादुर जी, माननीय सांसद श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी, माननीय विधायक श्रीमान अजय विश्नोई जी, श्रीमान अशोक रोहाणी जी, सुशील तिवारी जी, अभिलाष पांडे जी, संतोष बड़करे जी, नीरज सिंह जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती आशा मुकेश गोटिया जी, सभी अतिथिगण इस अवसर पर सामने इस कार्यक्रम में सहभागी कर रहे सभी भाइयों बहनों पत्रकार साथियों आमंत्रित अतिथिगण, भारत जिसकी हजारों हजार साल से एक विशेष पहचान है, हम सबके लिए अलग प्रकार से जाना जाएगा। विगत 500 साल का इतिहास, उसी समय जब रानी माता अपना अभियान चला रही है, चित्तौड़ के राजा हम सब जानते हैं महाराणा प्रताप, वो भी उसी समय अभियान चला रहे हैं। लेकिन कठिन काल के भी बावजूद गोंडवाना की गढ़मंडला की रानी दुर्गावती का कितना अद्भुत मंचन हुआ, जोरदार अभिनंदन करें अपने कलाकारों का जिनने लघु नाटिका के माध्यम से उनका पूरा जीवन चरित्र बताने का प्रयास किया। और मैं अपने इस मंच के माध्यम से ही धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि हमारी सरकार के बनने के बाद सभी मंत्रीगणों के साथ हमने जन्म शताब्दी को मान सम्मान देने के लिए अगर पहली कैबिनेट कहीं की है तो इसी जबलपुर की धरती पर करके रानी माँ के प्रति हमने अपना कृतज्ञता ज्ञापित की, अपना उनका प्रति जो सम्मान है। काल के प्रवाह में सही कहा पूर्व वक्ताओं ने कि अंग्रेजों के बताए मार्ग पर चल करके तत्कालीन बात की सरकारों ने भी इतना उज्जवल इतिहास रानी दुर्गावती का, जिनके अपने नेतृत्व में 52 युद्ध लड़े, ये वही उदाहरण हमारे सामने है। गढ़मंडला बहुत अलग प्रकार का वनांचल का गढ़ है, लेकिन एक ऐसी साम्राज्ञी, ऐसी वीरांगना जो अपने बलबूते पर ना केवल युद्ध जीतने का हिम्मत रखती है बल्कि अपने सुशासन के सभी मापदंड पूरे करती है। जहां जल रचनाओं की, तालाबों की बात आ रही, वीरता की बात आ रही, और कई रहस्य भी दबे हुए हैं जिनके लिए समाज के सामने वो रहस्य भी आना चाहिए। उसमें से एक बड़ा विषय ये भी है, यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को याद करके, जिनके माध्यम से 500वीं जयंती का वर्ष प्रारंभ हुआ, और वो काल के प्रवाह की जो कष्ट है, जो नवीन हमारे हथियार की रचनाओं के प्रति समाज का ध्यान जाना चाहिए। याद रखे, अकबर ने अगर विजय प्राप्त की है तो जान देने में तो हमारे बहादुरों ने कभी पीछे पीठ नहीं दिखाई, लेकिन नवीन जब हुई, ये वही समय था जब अकबर तोप लेकर आया, वो तोप के बंदूक के प्रयोग से हमारे बहादुरों के साथ अन्याय करते हुए जो जो उनको जीतने के तरीके चाहिए उस तरीके में ये नवीन हथियारों की जो रचना खड़ी हुई, इसका नुकसान भी हमको उठाना पड़ा। कहने वाले ये भी कहते हैं कि तोप के प्रयोग के कारण से रानी दुर्गावती की हाथी वाली जो सेना थी वो सेनाओं को भी अपना युद्ध में लड़ने में कठिनाई पैदा हुई। दूसरा एक अपना नियम था, जिस नियम के आधार पर रानी ने कहा कि सायंकाल के बाद भी युद्ध लड़ना चाहिए,
और युद्ध को रोकना नहीं है, लेकिन जो हमारे अपने सहयोगी रहते हैं वो सहयोगियों ने कहीं भूल से ये गलती भी की कि रानी आप कभी युद्ध जीते कभी हारी नहीं, आप तो भवानी है, रणचंडी है, इसलिए आपको रात में युद्ध करने के बजाय कल युद्ध करेंगे। रानी ने उस समय इशारा किया था कि देखो अभी उनकी तोपे नीचे है, कल ये ऊपर चली जाएगी तो कष्ट बढ़ाएगी, इसलिए रात में दुश्मन पे आक्रमण कर देते हैं। लेकिन वो एक ऐसा रहस्य जिसको समाज के सामने लाने की जरूरत है। और दूसरा बड़ा कि हाँ हमारे अपने वनांचल के अंदर क्या प्रतिभाएं हैं, इनका जीवन चरित्र पूरे देश तो क्या दुनिया के सामने पहुंचाने की जरूरत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने तय किया है कि रानी दुर्गावती का ये चरित्र हम दुनिया के सामने ले जाएंगे अपने सभी प्रकार के यत्नों से, पाठ्यक्रम का हिस्सा बना करके, अलग अलग प्रकार के अवसरों पे सेमिनार जानकारियां दे करके। ये देखो आप एक के बाद एक रानी दुर्गावती से प्रारंभ होकर के ये क्षेत्र रानी अवंतीबाई पे भी जाता है, रानी झांसी के पास भी जाता है, मुगल काल से भी लड़ने वाले लोग, अंग्रेजों के आगे भी लड़ने वाले लोग और लड़ने वाली रानियां, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की अगर राष्ट्रपति के रूप में हमारी श्रद्धा का केंद्र बनी है तो हमारी आदिवासी अंचल की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के लिए वे जोरदार अभिनंदन करें। और ये रानी दुर्गावती के माध्यम से चलने वाला अभियान माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इस बात का एहसास कराते हैं कि हाँ हमारे क्षेत्र में विविधता होगी, अलग अलग प्रकार के वनांचल के हिस्से होंगे, लेकिन सच्चे अर्थों में हमारी श्रद्धा ये रानी दुर्गावती के प्रति श्रद्धा है कि हाँ हमारी सासिकाएं हमारी बहन क्यों नहीं हो सकती। हमारे अपनी बहनों के माध्यम से मैं आज इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के इस अभियान का हिस्सा है कि 5 अक्टूबर तक जब ये जन्म शताब्दी का समापन होगा तो निश्चित रूप से सरकार के माध्यम से पिछले महीने 3-4 महीने चुनाव में चले गए, लेकिन अब हर महीने कोई ना कोई उत्सव होगा जिसके माध्यम से रानी दुर्गावती की गाथा हम क्षेत्र में गाने के लिए क्षेत्र में जागृति फैलाने का काम करेंगे। मैं इस बात के लिए भी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं कि विभाग ने कम समय में बहुत अच्छा प्रबंधन किया है, लेकिन हमारे अपने बहुत सारे ऐसे किले बहुत सारी रचनाएं जहां अभी जीर्णोद्धार होना बाकी है, रानी के अपने जीवन के वो प्रसंग समाज के सामने लाने की आवश्यकता है। ऐसे प्रत्येक प्रसंग को हमको सबके सामने लाने की जरूरत है। माननीय प्रहलाद पटेल जी का युद्ध आप बताइए, वो ग्रैंड ट्रंक योजना रोड उनके नाम से जाना जाता है, लेकिन शेरशाह सूरी ने भी अगर रानी दुर्गावती के यहाँ आकर के घुटने टेके इससे बड़ा गर्व की क्या बात होगी। अभिनंदन करें रानी दुर्गावती को। ऐसे रानी दुर्गावती के प्रसंग कौन सा नाम छूटता है, वो बाज बहादुर जो मालवा का सुल्तान होकर अलग अलग प्रकार से दुनिया में घूमता था, लेकिन बाज बहादुर के भी दांत खट्टे किए। अकबर महान पता नहीं कितने प्रकार से जानते थे, लेकिन अकबर की सेना को एक बार ने 3-3 बार धूल चटाने का काम अगर किसी ने किया है तो रानी दुर्गावती ने किया। ये हमारे लिए गौरवशाली पक्ष समाज के सामने लाने की जरूरत है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितने प्रकार से अपने सेवकों का भी कैसा ध्यान रखते हैं कि सहयोगी के नाम पे आधार ताल, सहेली के नाम पर चेरी ताल, जल रचनाओं की रचना, पुरस्कार के प्रकार, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन और नवाचार करने का भी रिकॉर्ड किसी ने बनाया तो रानी दुर्गावती के माध्यम से बनाया। ऐसी महारानी को स्मरण करते हुए जो रानी माँ के रूप में पूरे क्षेत्र में पूजी जाती है, मेरी अपनी ओर से उनके पुण्य स्मरण को याद करते हुए सरकार की ओर से आदरांजलि व्यक्त करता हूँ। और इसी के साथ साथ कमजोर वर्ग के लिए हमारी सरकार जो काम कर रही है, हमारी सरकार के माध्यम से लगातार जैसे मैंने कहा कि रानी दुर्गावती के नाम से 5 लाख का पुरस्कार हमने घोषित किया है जिनके माध्यम से उनके विविध पक्षों को सामने लाएंगे। और आपने कहा हमारा एयरपोर्ट जबलपुर वाला गढ़ और मंडला दोनों को मिला के उनका अपना गढ़ मंडला बनता था, तो गढ़ के अंदर
ये रानी दुर्गावती के नाम पर स्टेडियम के लिए भारत सरकार से बहुत जल्दी मंजूरी दिलाने का काम भी हमारे द्वारा किया जाएगा, जिसके कारण से ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रानी दुर्गावती के नाम से जाना जाए। और आपने कहा कि एक ब्रिज जो बहुत अच्छा बना शहर के लिए, मदन महल तो उनका अपना महल था, उनका स्मरण वहीं से हम एक मिनट में पर कर लेते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि यहीं से घोषणा करता हूँ, ये ब्रिज के नामकरण की घोषणा रानी दुर्गावती पे नाम पे करने की घोषणा करते हैं। यहाँ के विधायकों ने दो एक तालाब बताए, गड़ा तालाब और कौन सा तालाब है ना। तो अभी हमारा अपना अभियान चल रहा है 30 जून तक, और उस जून 30 जून के अभियान में भी इन तालाबों के ऊपर भी हमारी सरकार काम करेगी। अभिलाष चिंता मत करो, सरकार साथ रहेगी। मड़ा ताल, हनुमान ताल, जो जो भी आप कहोगे, क्योंकि ये ताल नहीं है, ये जिंदगी है। वसुधा के अंदर हम अपने कुछ पुष्प चढ़ाने का अभियान है, इसलिए ये सारी जल रचनाओं पे भी सरकार के द्वारा जो हो सकता है वो जरूर करने का प्रयास करेंगे। आज के इस अवसर पर 15-16 साल का समय बहुत थोड़ा होता है, लेकिन थोड़े समय में भी अद्भुत राज्य किया जिनने। वास्तव में वो चंद्रलोक की बेटी गोंडवाने की रानी चंडी थी, रणचंडी थी, दुर्गावती भवानी थी। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी अनूठी सौगातों के लिए। जबलपुर को आपने अनूठी सौगातें दी, और निरंतर आपके प्रयासों से नारियों का रानी दुर्गावती के उस बलिदान को नमन किया, उनकी प्रेरणादायी प्रयास साहस को याद किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे। जबलपुर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये 461वें बलिदान दिवस पर यहाँ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे। प्रदेश में जो योगदान रानी दुर्गावती के देश के लिए जो योगदान रहे, उस योगदान को प्रेरणा की तरह सभी अपने जीवन में आत्मसात करें, इसका संदेश इस मंच से उन्होंने दिया। और आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान रानी दुर्गावती के उन क्षेत्रों को भी याद किया गया जहां पर उन्होंने रहकर काम किया देश के लिए, प्रदेश के लिए। और अभी उनके बलिदान दिवस कार्यक्रम के मंच से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जबलपुर में दरअसल ये कार्यक्रम चल रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनकी कैबिनेट के सहयोगी राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल सरीखे नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। अब मैं आभार के लिए निवेदन करना चाहूंगी। और अभी विजय शाह जी माननीय मंत्री मोमेंटोस दिए जा रहे हैं उपहार स्वरूप अभिनंदन के लिए। और ऐसे में अभी की जो स्थिति है और उस समय की जो स्थिति थी उसमें ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि उस वक्त भी साहस की आवश्यकता थी, आज भी साहस की आवश्यकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संदेश में कहा।